माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नए सेगमेंट पे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखते हैं बच्चों, अब हम एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी को हम एक एक करके समझते हैं बच्चों कि क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी। देखो काफी इजी है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को आई होप कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक। देखो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में ये यहाँ पर कई टाइप के रिएक्शन को शो करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसमें पहला जो रिएक्शन है बच्चों, एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड का हमको एडिशन किस तरीके से कराना है। देखो काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो HCN के साथ हम जब रिएक्शन शो करते हैं तो इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों, NaCN ले सकते हैं, KCN ले सकते हैं, और हम क्या लेते हैं बेटा यहाँ पर डायल्यूट H2SO4 भी लेंगे। ठीक है, अब डायल्यूट H2SO4 तो छोड़ो, यहाँ पर HCN को किस तरीके से आपको कराना है मैं आपको पहले मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर मैकेनिज्म लेते हैं स्टेप वन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका HCN है, HCN सबसे पहले आपका अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करेगा, आपका क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बना लेगा H2O और CN-। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, स्टेप सेकंड में आपका यहाँ पर आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा और यहाँ पर आपका CN-। आप क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल बना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका RDS स्टेप होता है, ये आपका स्लो स्टेप होता है और इसको हम क्या बोलते हैं RDS स्टेप। तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका CN, यहाँ पर आपका O-। Now, अब यहाँ पर इस स्टेप में आपका प्रोटोनेशन होगा, क्या होगा बच्चों, प्रोटोनेशन। अब देखो प्रोटोनेशन होगा तो H+ आपका कहाँ से आएगा बच्चों, H2O से। H2O से अगर आपका H+ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से CN और यहाँ पर आपका OH और आपका रिमेनिंग कौन बचेगा, OH- आपका बाहर निकल जाएगा। तो काफी अच्छी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पर मुझे अल्कलाइन मीडिया की रिक्वायरमेंट पड़ी, अब हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप वन वी हैव टू यूज अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को फॉर्म करने के लिए मैंने यहां पर अल्कलाइन मीडियम लिया और CN- आपका क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ये आपका क्या होता है बच्चों, पुअर बेस। ये आपका क्या होता है बच्चों, पुअर बेस, और पुअर बेस होगा तो ये आपका क्या होगा बच्चों, पुअर न्यूक्लियोफाइल भी होगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, इसलिए मुझे अल्कलाइन मीडिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इस अल्कलाइन मीडिया की जगह हम क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पर मैंने ले लिया NaCN और मैंने ले लिया KCN, और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे HCN ये क्या है, ये आपका बफर सॉल्यूशन है और ये आपका किस टाइप का बफर सॉल्यूशन है बच्चों, बेसिक टाइप का। यहाँ पर बेसिक बफर सॉल्यूशन है और बेसिक बफर सॉल्यूशन होने की वजह से यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेंगे तभी तो आपको अटैक करेगा, इस स्टेप को आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर जो OH- फर्स्ट स्टेप में आया, लास्ट स्टेप में भी आपका क्या बाहर निकल गया, OH-
तो यहाँ पर कैटलिस्ट ने केवल और केवल इंटरमीडिएट बनाने में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनाने में आपका पार्टिसिपेट नहीं किया। कैटलिस्ट ने केवल और केवल आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। जब आपकी कैटलिस्ट ने इंटरमीडिएट, तो हम क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस रिएक्शन इज बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये आपका बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन भी होगा। आप ध्यान से समझेंगे, ये आपका बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, मतलब अल्कलाइन मीडिया के थ्रू ये क्या हुआ बच्चों, कैटलाइज्ड हुआ। ठीक है, जहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ड्यू टू द अल्कलाइन मीडिया इस रिएक्शन में आपका पीएच कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, पीएच आपका 9 to 10 आपका वेरी करेगा। बस इस बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब भी आपको पीएच के लिए बोले तो पीएच हमको कितना कंट्रोल करके रखना है बच्चों, यहाँ पर 9 to 10 हमको पीएच यहाँ पर कंट्रोल करके रखना है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म होता है बच्चों। काफी हद तक आप लोगों को ये चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं इसके वो एग्जाम्पल सेक्शन की ओर। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों, धीरे धीरे यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं अब हम कुछ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल नंबर वन। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एसीटाइल्डिहाइड। ये क्या होगा बच्चों, मेरे पास एसीटाइल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने HCN के साथ करा दिया, ठीक है, देन इसकी रिएक्शन अगर मैंने यहाँ पर H3O+ करा दिया और यहां पर मैंने हीट करके H2SO4 निकाला, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका जो पहला सेगमेंट है वो मैंने अभी बता दिया, लास्ट के दो सेगमेंट मैंने आपको बता रखे। देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने कई बार आप लोगों का डिस्कस किया है दोनों सेगमेंट। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने CH3COH की रिएक्शन HCN के साथ कराया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर आपका साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ टेक करेगा और ये बाहर निकलेगा, और ये जो H+ है वो कहाँ से आएगा बच्चों, H2O से आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बनेगा CH3COH, यहाँ पर CN और यहाँ पर H। देखो बच्चों, साइनोहाइड्रिन हम उसको बोलते हैं जहां पर अल्कोहल और साइनेट दोनों एक साथ होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, साइनोहाइड्रिन। देन फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा H3O+ में, तो साइनाइड ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोलाइसिस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम ध्यान से समझते हैं कि अगर मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने पर क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर मैं हीट करूंगा तो आपका क्या बाहर निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल गया, यहाँ पर CH2C डबल OH। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके, देखो अभी से मैं आपको कॉमन नेम बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहीं से आपके कॉमन नेम वाले क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, ये कितने कार्बन की चेन होगी, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर इसके इसके बगल वाला पोजीशन अल्फा पोजीशन, तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी। यही से याद करना स्टार्ट करना बच्चों नाम, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, इसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे बच्चों, इसको हम यहां पर बोलेंगे लैक्टिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, लैक्टिक एसिड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लैक्टिक एसिड अब होता क्या है। अब अगर आप रिएक्शन को मेमोराइज करोगे तो लैक्टिक एसिड आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, एक्रिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम एक्रिलिक एसिड होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, यहीं पर मैं अगर आपको इस तरीके का रिएक्शन मैं आपको दे दूं, ठीक है, यहां पर मैंने CH3,
यहां पर मैंने ले लिया HCN और यहां पर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है, और यहां पर मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया। तो आपका यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट को कॉमन नेम के साथ आपको बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसका सॉल्व हम कैसे करेंगे, थोड़ा आप लोग कोशिश करो वीडियो को पोस्ट करके, तब तक मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग कोशिश करो। देखो अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा बच्चों, काफी इजी है। देखो यहाँ पर आपका CH3 सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर आपका CH3, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने अगर HCN के साथ करा दिया तो CN माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और यहाँ से जो H प्लस है वो H2O से आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, CH3 CH3 और यहाँ पर आपका CN, यहाँ पर आपका OH, ये आपका बन गया साइनोहाइड्रिन, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो अभी अभी मैंने बताया बच्चों हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका क्या हो जाएगा, CN ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पर CN ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इसका हीट देके H2SO4 के साथ गर्म करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब देखो ये बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर COOH। अब इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है, इसका हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसकी मुद्दे वाली बात यह है कि इंपॉर्टेंट ये 1 2 3 अल्फा पोजीशन पे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी, उसी तरीके से अल्फा मिथाइल, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपियोनिक एसिड, या फिर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा मिथाइल एक्रेलिक एसिड, इसका कॉमन नेम इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल नंबर 2। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क के लिए एग्जांपल देता हूं बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे से करोगे। तो देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 3, आपको मुझे कॉमन नेम भी लिख के देना है बच्चों, ठीक है ना, कॉमन नेम भी आप लोग मुझे लिख के देना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कॉमन नेम आपको याद करने में, जो धीरे 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 अगर हम आपसे मैं मैक्सिमम कॉमन नेम लिखने की कोशिश करूंगा जिससे आपको धीरे 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 कॉमन नेम वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड तक काफी ज्यादा आपको याद हो जाए, बस ध्यान रखना है बस आपको थोड़ा बहुत। HCN के साथ रिएक्शन कराना है, देन आफ्टर इसकी रिएक्शन आपको NH2 के साथ कराना है, देन आफ्टर इसकी रिएक्शन आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है, आपको इस तरीके से रिएक्शन कराना है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम होगा एलानाइन और ये क्या होता है बच्चों आपका, ये आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक है, अमीनो एसिड होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका एलानाइन कंपाउंड बनाएगा, तो आपको एलानाइन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, बस इतना सा आपका वर्क है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के एडिशन रिएक्शन पे बच्चों, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फेट, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फेट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर बी पॉइंट एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। अब देखो सोडियम बाइसल्फेट का एडिशन किस तरीके से कराएंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, जैसे NaHSO3 है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से डिसोसिएट कर, थोड़ी देर के लिए बच्चों, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ये आपका क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको शो करना है, ये मैंने बना दिया कार्बोनिल बॉन्ड। अब देखो कार्बोनिल बॉन्ड में सबसे पहले कौन आपका अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल ने आपका यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल ने आपका यहाँ अटैक किया और ये बॉन्ड आपको यहाँ खुला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले ये आपका इस तरीके से OSO2H बन जाएगा बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा O-Na+, ठीक
ठीक है। अब ये स्टेप आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है। देन आफ्टर एको यहां पर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, यहां पर क्या होगा, प्रोटोनेशन स्टेप, प्रोटोन ट्रांसफर होगा। प्रोटोन ट्रांसफर अब कहां से होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर SO3 माइनस Na प्लस और यहां पर आपका OH हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली रिएक्शन आपकी हाईली रिवर्सिबल होती है। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बात करूंगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन आपके मैक्सिमम किसके लिए होगा, कीटोन के लिए। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आपके किसके लिए होगा, एल्डिहाइड के लिए। ऐसा क्यों होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों एल्डिहाइड और यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों कीटोन। एक एक करके ध्यान से समझेंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको एल्डिहाइड और कीटोन में देखना है। देखो यहां पर मैंने अगर सी एच थ्री सी ओ एच बना दिया और यहां पर अटैक कराऊंगा न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या होगा। देखो ये वाला तो आपका हिंडर्ड है, ये वाला आपका स्मॉल एटम है, ये वाला आपका हिंडर्ड है, लेकिन यहाँ पर उतना स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्टिव नहीं होगा, तो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अगर C6H5C डबल बॉन्ड O और H की रिएक्शन कराई और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया, तो यहाँ पर SIR ज्यादा लगने की वजह से ये वाली रिएक्शन आपके, सॉरी यहाँ पर SIR इस पोजिशन पे ज्यादा है लेकिन यहाँ पर तो स्मॉल एटम है, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कीटोन के केस में, तो एसीटोन के केस में ध्यान से समझना बच्चों, तो यहां पर एसीटोन के केस में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर उतना बल्कि ग्रुप नहीं होने की वजह से ऐसा यार उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो यहां पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसीटोफिनोन की, अगर मैं बात करूं एसीटोफिनोन, इसका नाम क्या होगा बच्चों, एसीटोफिनोन। अगर मैं एसिटोफिनोन की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराऊंगा तो यहाँ पर बल्कि उन ग्रुप और यहाँ पर भी थोड़ा बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल, यहाँ पर C6H5 इस पर मैंने अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया तो फिर से आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या नहीं हो पाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मेरे पास कीटोन का कंडीशन रहेगा तो कीटोन की कंडीशन में तो यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ बच्चों, यहां से आपका क्या ऑब्जर्व हुआ, इन द कंडीशन ऑफ, इन द केस ऑफ कीटोन, इन द केस ऑफ कीटोन, इन द केस ऑफ कीटोन रिएक्शन रिएक्शन मूव टुवर्ड रिएक्शन रिएक्शन मूव टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन ड्यू टू द SIR, ठीक है, ड्यू टू द SIR, ड्यू टू द SIR, मतलब ये आपका कीटोन कैसा होना चाहिए बच्चों, यहां पर कीटोन आपका अराइल कीटोन, अराइल कीटोन के केस में आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर अराइल का मतलब ये है, ये देखो एरोमेटिक अराइल कीटोन के केस में, लेकिन अगर मैं बात करूंगा इन द केस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिएक्शन मूव टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब जो यहां पर जो आपका ये कंपाउंड बनता है, ये जो कंपाउंड बनता है वो आपका क्या होता है, ये आपका होता है बच्चों बाई सल्फाइट अडक्ट बनता है बच्चों। और यहां पर इसकी ध्यान से समझना, ये आपका क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बच्चों। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है बच्चों, रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सी रिएक्शन। मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ध्यान से समझना। सी रिएक्शन,
रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड देखो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बच्चों, मुझे थोड़ा बताना। R2ZN होगा, फ्रैंकलेट बोल सकते हैं, RLI होगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, या फिर आपका RMGX होगा, ठीक है, या फिर आपका क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर आर यहाँ पर मैंने ले लिया, RCU भी हो सकता है। तो इस तरीके के आपके कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे, तब आपका इसका रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने आपको ग्रिगनार्ड के साथ तो काफी हद तक रिएक्शन बता रखी है, तो एक एक देखते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इसको समझते हैं। देखो CH3COH, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने CH3MgBr के साथ करवा दिया, इसके साथ बच्चों CH3MgBr के साथ, तो देखो ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CO-MgBr, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा CH3, यहाँ पर H, और अगर मैं इसको फर्दर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा H3O+ के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3CHOHCH3, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर CH3COCH3, अगर इसकी रिएक्शन मैंने अगर CH3, देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर PHMgBr के साथ करा दिया, तो नाउ अब क्या होगा, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये यहाँ अटैक करेगा और ये आपका ऊपर खुलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CO- यहाँ पर MgBr, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, PH, यहाँ पर आपका CH3। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका CH3CPHCH3OH, यहाँ पर आपका क्या बना बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं अगला रिएक्शन, अगला रिएक्शन अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर ध्यान से, तो अगले रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और फॉर्मेलिहाइड का ले लेते हैं बच्चों, इसका नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। थोड़ा सा नाम भी आप लोग कोशिश करो अब से ध्यान रखना, क्योंकि नाम से आपका काफी कुछ काम इजी बन सकता है, MgBr। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर खुलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, HCCH3, यहाँ पर O-MgBr, और यहाँ पर H। देन फादर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपका हर चैप्टर में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका CH3CH2OH बन जाएगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब प्राइमरी अल्कोहल। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन करवाना है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसी में एक दो आपको मैं और भी प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे रिएक्शन किस तरीके से कराना है। देखो एक और रिएक्शन में आपको अच्छा रिएक्शन बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर CH3CO CH2 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 Br, ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर मुझे CH3MgBr के साथ कराना, तो CH3MgBr का पहला काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना, और सेकेंड काम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करना। तो सबसे पहले ये क्या करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये ऊपर खुलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CO-MgBr, और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर CH2CH2CH2CH2Br। अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पर O- एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और यहाँ से आपका Br एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर कौन बाहर निकल रहा है, MgBr2 आपका बाहर निकल गया। नाउ अब आपका क्या बनेगा बच्चों, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 मेंबर की हेट्रो हेट्रो मतलब 6 मेंबर के हेट्रो रिंग बनानी है, और फिफ्थ पे
ये आपका फिफ्थ पोजीशन पे आपको क्या लगाना है बच्चों, डो मिथाइल ग्रुप, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देखो इसी में मैं आपको एक और वेरिएशन बता सकता हूँ कि इसमें अगर आपको ज्यादा पूछना होगा तो वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एच आई के साथ रिएक्शन कराओ, ओनली वन इक्वलेंट, तो ये आपको प्रोडक्ट मुझे बताना है करके। ठीक है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। अभी हम एक और रिएक्शन को समझते हैं बच्चों ध्यान से। तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि अदर ग्रिगनार्ड वो अदर ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा, तो अदर ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड को मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ग्रिगनार्ड में बताया था। ग्रिगनार्ड में मैंने दो टाइप के एडिशन बताए थे बच्चों आपको, एक बताया था माइकल एडिशन, एक बताया था बच्चों मैंने आपका 1,4 एडिशन। तो अगर बेटा यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंडीशन हुआ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंडीशन हो गया, कंडीशन वाला एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। देखो बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, तो हर चीजों को ध्यान से। तो यहाँ पर दो टाइप का एडिशन होता है बच्चों, एक होता है 1,2 टाइप का एडिशन होगा, ठीक है 1,2 टाइप का एडिशन होगा, और एक आपको क्या होगा बच्चों 1,4 टाइप का एडिशन। ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, दो टाइप के आपके प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1,4 टाइप का बनेगा, एक आपका 1,2 टाइप का बनेगा। आप ध्यान से समझेंगे कि 1,4 टाइप और 1,2 टाइप को क्या अंतर है। देखो यहाँ पर CH2CHCOH, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग, देखो अगर यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये आपका 1 और ये 2, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट मतलब ऐड होगा, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा प्रोडक्ट। ध्यान से समझना बच्चों, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर O माइनस H, इस तरीके से ऐड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1,4 एडिशन, तो 1,4 एडिशन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCOH, देखो 1,2,3,4, अगर यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल बोलो, या फिर आप क्या बोल सकते हो बच्चों, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, मैंने लिखवाया था आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लास्ट पार्ट में, थोड़ा सा उसको ध्यान से देख लेना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ जाके जुड़ेगा बच्चों, यहाँ इस पोजिशन पे जाके जुड़ेगा, CH डबल बॉन्ड CO-H, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, काफी इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल वाले कौन से, R2CD ले लिया मैंने, यहाँ पर R2ZN ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पर RCU, ये सारे के सारे आपके कौन से, वीक न्यूक्लियोफाइल वाले। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाले आपके कौन कौन से बच्चों, RMGX बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर RLI, ठीक है, यहाँ पर दो केस। अब देखो यहाँ पर R2CD, R2ZN, R2CU, ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ वीक बेस भी होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ आपका क्या होता है बच्चों, वीक बेस। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आपका एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइकल, और ये आपका काइनेटिकली स्टेबल होता है, ठीक है, वो काइनेटिकली प्रोडक्ट होता है, और ये आपका थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे के पार्ट को देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के, ठीक है। तो जहां तक आपको समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच।